नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 3 सुलभ भारती मराठी अध्याय 26 इलाचा घरी। इस लेसन को हम लोग हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में देखेंगे, इसलिए इस पर बने रहिए। आज एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ सभी कुछ इसमें देखेंगे। मुलांनो, तर या लेसनचं नाव आहे इलाच्या घरी। आता तुम्हाला सर्वात आधी सांगते, ही आहे इला। इला काय आहे? एका मुलीचं नाव आहे, ही इला आहे आणि ही इलाची आई आहे। इथे खूप सारी मुलं दिसत आहेत ना तुम्हाला, ह्या मुली मुलं हे सर्वजण इलाचे फ्रेंड्स आहेत। आता बघा मुलांनो, ह्या चित्रामध्ये तुम्हाला काय काय दिसतं आहे? ही एवढी मोठी बिल्डिंग, इथे बघा ही झाडं दिसत आहेत ना, ही फळ झाडं आहेत। त्यानंतर इथे माठ, माठामध्ये काय असतं? गारगार पाणी असतं। आणि इलाच्या हातामध्ये काय दिसतं आहे तुम्हाला? खाऊ, है ना। हा खाऊ कोणी केला आहे? इलाच्या आईने केला आहे। हे बघा मुलांनो, इलाच्या मैत्रिणींचे आणि मित्राचे नाव, हे बघा, ही मुलगी आहे ना, हिचं नाव आहे रेहाना। हा मुलगा, याचं नाव आहे गौतम। आणि ही मुलगी, हिचं नाव आहे अंजू। ही आहे उषा आणि ही आहे अंकिता। ही कोण आहे माहितीच आहे तुम्हाला, ही इला आहे। हे सर्व मुलं इलाच्या घरी आलेली आहेत, कारण आपल्या लेसनचं नावसुद्धा आहे इलाच्या घरी। आता अपन शब्दार्थ बघूया। पत्ता, बच्चों ये सब इला के फ्रेंड हैं जो आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये है रेहाना, ये गौतम, ये अंजू, ये उषा, ये अंकिता और ये इला। इस इला के घर पर ये सब लोग जो है आए हुए हैं। और इस चित्र में बच्चों आपको क्या दिख रहा है? ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर फल के झाड़ लगे हुए हैं, है ना। इन पर सब पर फल लग रहे हैं, यहाँ पर मैंगो लगे हुए हैं, यहाँ पर पपीता लगा हुआ है ना, कवीट लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमें बताया गया। ये क्या है बच्चों? ब्लैक कलर का मटका, इसमें पानी ठंडा रहता है ना, वो बताया गया। अब हम शब्दार्थ देख लेते। पत्ता यानी पता, एड्रेस, बाग बगीचा गार्डन, इमारत बिल्डिंग, गोड़ स्वीट मीठा, माठ मटका अर्थन पॉट, पेला गिलास या ग्लास, कवट वुड एप्पल, खाऊ यानी नाश्ता स्नैक्स। लेसन पर आते हैं। देखो बच्चों, एका आणि म्हणा यानी सुनो और बोलो। अब यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये सब आपस में कहाँ आए हुए? इस बिल्डिंग के सामने आए हुए हैं। इसके पहले ये सब आपस में मिले हैं और इसमें क्या बात हुई है इनके बीच में? गौरी क्या बोलती है? अग इला, तू नव्या घरी केव्हा गेलीस? यानी ये जो इला है ना, इला के मम्मी पापा ने नया घर लिया है और उस घर में अब वे लोग शिफ्ट हो गए हैं, है ना। तर इलाच्या आईवडिलांनी काय नवीन घर घेतलेलं आहे आणि इला आता त्या नवीन घरी राहायला गेलेली आहे। तर जेव्हा ही सर्व फ्रेंड इलाला भेटतात तेव्हा इलाला विचारतात, त्याच्यातली एक मैत्रीण गौरी ती विचारते, अगं इला तू नव्या घरी केव्हा गेलीस? म्हणजे इला तू नवीन घरी राहायला कधी गेलीस? कब गई तू अपने नए घर रहने? इला बोलती है मागच्या रविवारी, यानी पिछले रविवार को ही मैं अपने नए घर में रहने के लिए गई हूँ, है ना। मागच्या रविवारीच इला गेलेली आहे, म्हणजे अजून जास्त दिवस झालेले नाही आहे। आणि गौतम तिला विचारतो, कसं आहे तुझं घर, है ना, इथे विचारतो। आता मुलांना कसं कौतुक असतं की नाही, त्यांना असं वाटतं कसं असेल वगैरे, मग तो विचारतो तुझं नवीन घर कसं आहे? तर इला म्हणते छान आहे, उद्या रविवार आहे। इला क्या बोलती है? बहुत अच्छा है, कल रविवार है। अब देखो, पिछले रविवार को वो रहने के लिए गए हैं नए घर में और इस रविवार को वो अपने फ्रेंड्स को बोल रही है कि उद्या रविवार आहे, यानी कल रविवार है। मी पत्ता सांगते, मैं तुमको एड्रेस बताती हूँ, तुम्ही उद्याच या माझ्या घरी, तुम कल ही मेरे घर आ जाओ।
अब यहाँ संडे सबके पेरेंट्स की भी छुट्टी रहती है और सब बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी रहती है, इसीलिए इला ने कहा है कि तुम कल रविवार है इसलिए आना घर पर, क्योंकि सबकी छुट्टी है, सब आ सकते हैं, है ना। और वो उनको क्या देने वाली है, एड्रेस देने वाली है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है ना, फिर वो पता देगी तब वो ढूंढते ढूंढते उसके घर पर आएंगे। अब उषा क्या बोलती है, आम्ही उद्या 11 वाजता तुझ्या घरी येऊ, यानी हम कल, उद्या यानी कल, 11 वाजता यानी 11 बजे तेरे घर आएंगे, है ना। सब बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं और उसको बताते हैं कि हम कल संडे हैं तो सुबह 11 बजे तेरे घर आएंगे। सगळे जण पत्ता शोधत शोधत इलाच्या घरी येतात। अब ये सब लोग जो है ना पता ढूंढते ढूंढते इला के घर पर आते हैं। अब ये देखो ये बच्चे हैं ना, ये इला की बिल्डिंग है, यहाँ पर इला के घर के सामने खड़े हैं, ये एड्रेस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए, उन्होंने इला का घर ढूंढ लिया। अब इलाची आई सर्वांचे स्वागत करते। अब यहाँ पे इला की मम्मी और यहाँ पे देखो इला और इला की मम्मी यहाँ दिख रही है आपको बालकनी में, यहाँ से वो बता रही है कि तुम ही इथे वर्ती या, है ना, तुम सब लोग यहाँ पर ऊपर आओ, हमारा घर यहाँ पर है। तो सब ये बच्चे देखो ऊपर की तरफ देख रहे हैं इधर, है ना। अब अंकिता क्या बोल, इलाची आई सर्वांचे स्वागत करते। अब इला की मम्मी, जब ये बच्चे ऊपर पहुँचते हैं ना बिल्डिंग में घर पे इला के, तो उसकी मम्मी सबका स्वागत करती है। कैसे स्वागत करती है, या मुलानो बसा ऐसे उनको बोलती है ना। फिर वो बच्चे आते हैं, बैठ जाते हैं उनके घर पे। अंकिता बोलती है, अय्या इला कसलं है तुझं घर, ही तर उंच इमारत आहे, यानी अंकिता नाम की लड़की है, वो बोलती है कि अरे कितना कैसा है तेरा घर, कितनी ऊंची इमारत है ये, यानी कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये। अंजू बोलती है, आणि इमारती भोवती छान फळबाग आहे, उसमें से उसके फ्रेंड्स में से एक है अंजू। अंजू क्या बोलती है, तेरे इमारत के यानी तेरे बिल्डिंग के चारों तरफ, भोवती यानी चारों तरफ परिसर में क्या है, फल के पेड़ लगे हुए, फल बाग है, यानी वहाँ पे बाग बना हुआ है और उसमें फलों के झाड़ लगे हुए हैं ना, गार्डन है और उसमें क्या लगे हैं, फलों के झाड़ लगे हैं। तो रेहाना क्या बोलती है, आम्ही बागेत फिरलो, आंबा कवट बोर पपई अशी वेगवेगळी फळझाडं पाहिली, यानी रेहाना बोलती है कि हम तेरे घर आने से पहले उस बाग में घूमे, वहाँ पर हमने आम कवट बोर पपई ऐसे सब अलग अलग फलों के झाड़ को देखा। और उसके बाद देखो बच्चों, इलाची आई, अब इला की मम्मी सब बच्चों का घर में स्वागत करती है और बोलती है, मुलानो तुम्ही आमच्या घरी आलात, गोड़ गोड़ खाऊ खा, यानी तुम हमारे घर पर आए हो इसलिए अच्छी मीठी मीठी चीज़ें खाओ, मीठी मीठी मिठाई खाओ। तो यहाँ पे इला है ना बच्चों, ये इला देखो हाथ में ट्रे में मिठाई लेकर आई हुई है इन बच्चों के लिए, है ना, सबके लिए यहाँ पे मिठाई लेकर आई। और ये किसने बनाई है, इला की मम्मी ने बनाई है, वो बोली कि ये सब खाओ और माठातलं गार गार पाणी प्या। आता हे बघा इथे माठ ठेवलेलं आहे ना, या माठातलं पाणी गार गार असतं थंडगार, मग ते पाणी प्या असं बोलली इलाची आई, आणि खेळा मज्जा करा। आणि मग मुलांना बोलली, हे खाऊ खाल्ल्यानंतर तुम्ही खेळा आणि मज्जा करा। मग मुले थोडा वेळ खेळतात, मग मुले काय करतात, इलाचे फ्रेंड्स आणि इला सगळे मिळून थोड्या वेळ खेळतात। आणि मग गौरी येते आणि गौरी सांगते, इला काकू येतो आम्ही, म्हणजे गौरी इलाला आणि काकूला सांगते की इला आणि काकू आता आम्ही येतो, म्हणजे आमच्या घरी जातो। बोलती आहे की इला काकू हम आते हैं, अब हम अपने घर जा रहे हैं, हम आएंगे अब नेक्स्ट टाइम कभी। सर्वजण वाह, अच्छी सुट्टी मजेत गेली। और सब लोग जब उसके घर से बाहर निकलते हैं, सब बोलते हैं वाह वाह वाह, आज की छुट्टी बढ़िया मजे में गई। तो बच्चों आपको समझा नहीं यहाँ पे कि एक फ्रेंड ने जब नया घर लिया है तो सब बच्चों में कितनी उत्सुकता है उस घर को देखने की, कैसा है, उनकी फ्रेंड कहाँ रहती है ना। तो इसीलिए वो
उसके घर जाते हैं एड्रेस ढूंढते ढूंढते और देखते हैं, अरे यहाँ तो बहुत सारे फलों के झाड़ लगे हुए हैं, कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो ये सारी जो भी बातें हैं वो इला को बताते हैं, तेरी बिल्डिंग घर की कितनी ऊंची है और हमने तो तेरे यहाँ फलों के झाड़ भी देखे। फिर उसकी मम्मी जो खाने के लिए उनको देती है ना नाश्ता, वो सब खाते हैं और फिर थोड़ी देर खेल के मजा करके वापस आ जाते हैं। और बच्चों को जिस दिन अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाने के लिए मिलता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं आज का दिन तो बड़ा अच्छा गया, आज की छुट्टी बड़े मज़े में गई। अब देखो बच्चों, पहा एका म्हणा वाचा, यानी देखो सुनो पढ़ो और बोलो और पढ़ो। अब देखो ये पिक्चर का एक ही बच्चों, ये है इमारत, मुलांनो ही आहे इमारत म्हणजे बिल्डिंग, हे बघा मुलांनो हे आहे कवट म्हणजे वुड ॲपल, हे आहे माठ म्हणजे अर्धन पॉट, आणि हे आहे पेला म्हणजे ग्लास, है ना। आता आपण बघूया शब्द एका सारख्या अक्षरांखाली रेख ओढा आणि सारखी अक्षरे वाचा। आता इथे बघा मुलांनो, इला आणि इमारत याच्यामध्ये ई आणि ई बरोबर आहे, इला पण ईपासून सुरू होतं आणि इमारत पण ईपासून सुरू होतं म्हणून ई कॉमन आहे। गौतम गौरीमध्ये गौकात कॉमन आहे, उषा आणि उद्यामध्ये ऊ कॉमन आहे, है ना, ऊच्या खाली मग रेष ओढायची। अंकिता आणि अंजूमध्ये अ कॉमन आहे, मग यांच्या खाली रेष काढायची। कवट आणि माठमध्ये ठ कॉमन आहे, मग ठच्या खाली रेष काढायची। तो बच्चो इमारत और इला में ई, गौतम गौरी में गौ, उषा उद्या में ऊ, अंकिता अंजू में अंग और कवट और माठ में ठ, इन अक्षरों के नीचे लाइन खींचना है। एका पहा वाचा, ई गौ ऊ अम आणि ठ। आता ही अक्षर आहेत ना मुलांनो, अशीची अशी बघून इथे लिहायची आहेत। इथे बघा हे काय लिहिलं, ग, ग ला एक काना दोन मात्रा गौ, ठ, ठ ला एक काना दोन मात्रा ठव। आता प्रश्नोत्तर बघूया, इला नव्या घरी राहायला कधी गेली। इला नव्या घरी राहायला मागच्या रविवारी गेली, कधी गेली मागच्या रविवारी। बच्चो इला नए घर रहने कहाँ कब गई, तो इला नए घर पर रहने के लिए पिछले रविवार को गई। मुले इलाच्या घरी किती वाजता गेले, आणि बच्चे इला के घर कितने बजे गए, तो मुले इलाच्या घरी 11 वाजता गेले, है ना। इलाच्या नवीन घराच्या परिसरात मुलांनी कोणकोणती फळझाडे बघितली, याने इला के नए घर के परिसर में बच्चों ने कोणकोण से फलों के झाड देखे, तर इलाच्या नवीन घराच्या परिसरात मुलांनी आंबा पपई बोर ही फळझाडे बघितली, याने आम पपई बोर ये फलझाड देखे, है ना। आगे देखते हैं, इलाच्या आईने मुलांना काय खायला दिले, याने इला की मम्मी ने क्या खाने के लिए दिया बच्चों को, तो इलाच्या आईने मुलांना गोड़ गोड़ खाऊ दिला व माठाचे गार गार पाणी प्यायला दिले। मग मुलांचा दिवस कसा गेला, हा पण एक प्रश्न बनेल। मुलांचा दिवस मज्जेत गेला किंवा मुलांचा सुट्टीचा दिवस कसा गेला, तर मुलांचा सुट्टीचा दिवस मज्जेत गेला। मुलांनो इथे आहे शब्द बनवा, पहिला शब्द तुम्हाला दिलाय अन सन, यापासून बनवलाय अननस। मग हे याच्यापासून बनणार एडका, याच्यापासून बनणार समय, याच्यापासून बनणार माकड, इथे बनणार मान, त्यानंतर पालक, याच्यातनं बनणार लसूण, याच्यातनं बनणार कडक, याच्यातनं बनणार लालेलाल, याच्यातनं बनणार लाकूड, आणि इथे सापसूप, ह्या प्रकारे तुमचे शब्द बनणार। मुलांनो व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये लिहून सांगा, आणि स्टोरी कशी होती तुमच्या इलाच्या घरी ह्या लेसनची, इलाचे मित्र मैत्रीण बघितले ना, रेहाना कशी बसली आहे इथे हे बघा, गौतम बसला आहे, अंजू बसली आहे, उषा आहे, अंकिता आहे, मस्तपैकी सोफ्यावर बसलेले आहे। इथे बघा नवीन घर इलाचं, इथे लॅम्प लावलेला आहे, सोफा आहे, टीपॉय आहे, इथे बघा छोटा असा एक स्टूल ठेवलेला आहे, आणि इला छानपैकी तयार झालेली आहे, तिचे मित्रमैत्रीण येणार होते म्हणून, आणि गोडधोड घेऊन आली आहे मुलांसाठी खायला मित्रमैत्रिणीसाठी। आणि इलाचं घर खूप मोठ्या बिल्डिंगमध्ये आहे बघा, है ना, ही इलाची आई आहे। तुमची आई पण अशीच आहे की नाही, मग तुमचे मित्रमैत्रीण आले की तुमची आई पण खाऊ देते ना त्यांना, तसंच इलाच्या आईने पण खाऊ बनवलं होतं,
आणि त्यांना पाणी पण माठातलं गार गार प्यायला दिलं, खेळायला सांगितलं, मज्जा करायला सांगितली, है ना मुलांनू? चला मग आज तुम्हाला कसा वाटला हा लेसन मला सांगा. मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.